हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। तो अभी फिलहाल बजे हैं सुबह के, नहीं सॉरी मैंने घड़ी नहीं पहनी हुई है, लेकिन सुबह के लगभग 10-11 बजे का टाइम हुआ है, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो पास वाली दुकान है वहाँ पर ब्रेड नहीं मिला। अभी ना एक्चुअली जिग्नेश भाई के छोटे भाई केतन भाई आए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से छोटू बोलते हैं। तो छोटू यहाँ पर आया हुआ है और छोटू को खाना है ब्रेड, इसलिए मैं ब्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ। वैसे मैं अगर अकेला रहता हूँ ना टू व्हीलर ओनर, मम्मी और पापा जब रहते तभी करता हूँ, बाकी वैसे मैं किचन का बिल्कुल काम नहीं करता, वो डिपार्टमेंट मेरा है ही नहीं। पर हाँ, ये लेने में नहीं चले जाता हूँ मैं। वैसे भाई साहब ठंडी का माहौल आ रहा है, ठंडी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अभी फिलहाल धूप है, लेकिन रात को मैं सच बता रहा हूँ वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर जिस तरीके की ठंडी बढ़ रही है ना मौसम। सो फाइनली हमें ब्रेड मिल चुका है, ये रहा ब्रेड जो कि आया पूरे 20 रुपए का भाई। हालांकि छोटू सा है पर 20 रुपए का आया। महंगाई बहुत ही तेज बढ़ रही है, बस ठंड तो बढ़ ही रही है लेकिन महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही है। आप में से ना बहुत से लोग मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि विशाल भी आपके ब्लॉग डेली क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके ब्लॉग रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपका जो पॉडकास्ट है वो भी अभी रेगुलर नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन है। दोस्तों अभी आप लोगों को पता होगा गुजरात का सबसे बड़ा मीडिया फेस्ट था माध्यम, उसमें मैं 6 के 6 दिन एंकरिंग कर रहा था, ठीक है। तो उसमें मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लगभग मैंने 3 इंजेक्शन लिए हैं वहां पर स्टेज में परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद रिकवरी में ही मुझे बहुत टाइम लगा, अभी भी रिकवरी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है। और रिकवरी होते होते ही जब माध्यम चल रहा था तभी मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया, तो लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई। वो मतलब डैमेज कैसे हुई आई डोंट नो, पड़े पड़े ही मैंने 2 दिन तक एडिटिंग नहीं की। तीसरे दिन जब मैं उसको खोल के देखा तब स्क्रीन ओपन ही नहीं हुई। फिर मैंने लेनोवो के सर्विस सेंटर में उसको दिया तो पता चला कि यार 8,500 रुपए का खर्चा है कि स्क्रीन को बदलने में। भाई साहब मतलब अभी तो थोड़े से कलेश चल रहे हैं जिंदगी में, लेकिन वो मेरे कलेश हैं, आप लोग चिंता मत करो। कि आप लोग को, आप लोग के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलरली आ जाओ व्लॉग पे, और बहुत जल्द आऊंगा। कलेश के साथ साथ थोड़ी बहुत अच्छी चीजें भी हो रही है लाइफ में, जो कि मैं धीरे धीरे करके आप लोग के सामने रिवील करूंगा, लेकिन आप देखते रहो बस, और पॉडकास्ट भी आएंगे। भाई साहब जब ऐसी हरियाली देखो ना तो मन एकदम तृप्त हो जाता है, और अभी ठंडी के मौसम में तो ऐसी हरियाली देखने को मिलेगी अपन को बहुत सारी जगह पर। अच्छा चलो अब आप लोगों से क्या छुपाना, तो अभी एक ट्रिप का प्लान कर रहा हूँ मैं बहुत जल्द, ट्रिप में बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। मेरी मम्मी वैसे आई हुई है यहाँ पर, मम्मी को मैंने गाँव से छोड़ा है, गाँव में है अभी मम्मी, मम्मी के साथ फिर मैं निकलूंगा यहाँ से ट्रिप पे। ट्रिप पे आप लोग को मजा आएगा, बस आप व्लॉग देखते रहो। जैसे ही मेरा लैपटॉप ठीक होता है ना गाइस, मैं लिटरली डेली व्लॉग करना शुरू हो जाऊंगा, बस आप तब तक थोड़ा सा मेंटेन, थोड़ा सा मैनेज कर लो, उसके बाद अपन आते हैं फिर से एकदम फुल पावर के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं काफी कमाल के काम में, ठीक है। और ये जो काम है ना ये जिग्नेश भाई से रिलेटेड, क्योंकि अभी फोन में बात कर रहे हैं, और ये है हमारे केतन भाई। केतन भाई ऊपर देख लो, हाँ, बोलो ना। ये देखो केतन भाई, जिग्नेश कैसे शक्ल आती ना, हाँ दोनों भाई है, ये छोटा भाई है और ये बड़ा, नहीं ये बड़ा नहीं ये छोटा नहीं, ठीक है जो भी है दोनों एक जैसे दिखते हैं, छोटा बड़ा दिखता है, बड़ा छोटा दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम जा रहे हैं आर्मी की कैंटीन में, ठीक है, क्योंकि जिग्नेश भाई के जो पापा जी हैं यानी कि हमारे जो अंकल जी हैं वो अभी आए हुए हैं बड़ौदा में, और जल्दी से जल्दी अपन वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और वहाँ पर ना भाई साहब बहुत सस्ती चीजें मिलती है, बहुत सस्ती चीजें, अंकल शॉपिंग करने के लिए आते हैं और ये भाई साहब लुफ्त उठाते हैं दोनों के दोनों, देख रहे हो आर्मी परिवार से होने का ये फायदा होता है। जल्दी चल रहा है भाई, पापा निकल चुके हैं, चलो चलो चलो। तो वो देखो सामने जाते हुए हमारे केतन भाई और उनके साथ अंकल, दोनों के दोनों जा रहे हैं अभी घर की ओर, ठीक है। और हम उनसे मिले थे कहाँ पे, एयरपोर्ट सर्कल के पास, ठीक है। तो अभी वो यहाँ पर खड़े हुए थे, हम उनसे मिले, और ये मैं क्या, ये मैगी वो देके गए हैं, ठीक है, ये जिग्नेश भाई खाएंगे मैगी घर जाकर ना, हाँ। तो अभी वो देके गए अंकल जी हमारे, अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। वैसे कैंटीन जाने का इरादा था पर फिर अंकल ही जाके आ गए, तो फिर चलो छोड़ो क्या दिक्कत है, लेट हो गया अपने, हाँ यार बहुत लेट भी हो गया, कोई बात नहीं लेट हो गया था इसलिए नहीं आ पाए, बट फिलहाल मैगी हमारे हाथ में आई है तो हम यहाँ से निकलते हैं और घर जाके मस्त स्वादिष्ट सी मैगी खाएंगे। मैगी थोड़ी खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, हमारे थोड़े दिनों में असाइनमेंट्स वगैरह सबमिशन होने वाले हैं और थोड़े दिनों में हमारे वाइवा एंड प्रैक्टिकल का शेड्यूल शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं डेट आपको बता दूं तो 30th को हमारा एक वाइवा है जहां पर मैं कॉलेज जाऊंगा, तो आपको कॉलेज के दृश्य देखने को मिलेंगे। उसके बाद 1 तारीख को है और 2 तारीख को है, मतलब कि 3 दिन तक
कॉलेज जाना है, मैं व्लॉग भी करूंगा और आप लोग के लिए व्लॉग अपलोड भी करूंगा जो कि इसी चैनल पे आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल पे बने रहना है। आई नो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभी व्लॉग्स थोड़े से कम आ रहे हैं, पॉडकास्ट तो ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा बंद सा हो गया है, लेकिन मैं बहुत जल्द उसको रेज्यूम करने वाला हूं। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है गाइस, थोड़ा सा मेरी भी दुर्दशा समझे करो आप लोग। बहुत जल्द बाउंस बैक करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिलहाल स्वराज भाई जो है वो बहुत ही लगन से लगे हुए हैं अपने प्रैक्टिकल को बनाने में। आप लोग को दिखाता हूँ, तो ये देखो स्वराज भाई यहाँ पर लगे हुए हैं। स्वराज भाई क्या हाल चाल है यार वापस से क्या कर क्या रहे हो अभी? हाय 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 हाय, असाइनमेंट क्या बात है। तो हमें ना एक्चुअली सबमिशन दिया गया है डेजर्टेशन बनाने का, तो ये भाई साहब अभी डेजर्टेशन अपना बना रहे हैं और आप देख सकते हो बॉयज का रूम कैसा होता है, एकदम मैसी सा होता है, बट अच्छा लगता है यार। बॉयज का ऐसे मैसी रूम में ही स्वाद आता है, स्वाद। अरे ये तो कोरियन ड्रामा का हो गया साइन, क्या बात है। कोरियन फैंस नीचे कॉमेंट करो, ठीक है। और ये भाई साहब अभी बना रहे हैं, जैसे इनका ख़त्म होता है वैसे हम कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ मैं क्या खा रहा था। तो मैं ये जो मैगी का पैकेट आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा मैगी इसमें से निकाल करके मैं खा रहा था। अभी सीन कुछ ऐसा है कि जिग्नेश भाई गए हैं जॉब पे और थोड़ी देर में वो जॉब से आ जाएंगे, हालांकि थोड़ी देर में नहीं आएंगे, एक रात के 1 बजे आएंगे, है ना। तो जॉब से वो आएंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम पानी पीते हैं, चलो। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर हम ऐड शूट करने वाले हैं। देखो प्रतीक भाई सामने आ चुके हैं, जयजीत भाई बैठे हुए हैं। यो जयजीते, क्या बोलता है मेरे चीते, कुछ और दिख रहा है आपका कुछ और दिख रहा था वो भाई साहब मैच देखने में लगे हुए हैं। क्या स्कोर चल रहा है? 80-3 इंडिया। 80-3 इंडिया, अरे बाप रे, बड़ा गंभीर। इधर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इधर? आदमी के हाथ 2 ही टाइम ही थे। अरे बाप रे, ये क्या भाई साहब, ये कुछ और ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जी नहीं, अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं एड फिल्म को शूट, क्योंकि हमारा जो असाइनमेंट है उस हिसाब से हमको एक एड फिल्म शूट करना है, ठीक है। जिसके लिए हम लोग अभी सबके साथ इकट्ठा हुए हैं शूट करने वाले। जिग्नेश भाई का वेट कर रहे हैं, वो नीचे आराम कर रहे हैं घोड़े बेच के। तो अभी वो घोड़े जब उसके बिक जाएंगे, जब वो आराम करके ऊपर आ जाएगा, हालांकि एक नंबर का कोरिया आदमी है, अभी थोड़ी देर में ऊपर आएगा तो उसके बाद अपन काम करेंगे। हर कोरिया आदमी मेरे नसीब में क्यों होता है, नहीं सिर्फ कोई बात नहीं, नसीब ही ऐसा है। सर्कल तुम्हारी पीठ दिख रही है पीछे से, आ बेटे वापस से शॉट, वापस पीछे पोजीशन छोड़ा ना जस्ट। अरे गाना स्पीकर कहाँ है? अब गाना कहाँ चलेंगे, इसके बिना नहीं चलेगा। अरे स्पीकर तो नहीं है, ऑर्डर कर ले, स्पीकर तो नहीं है। पहले तो खुद ही बोला कि ऐसा कर, फिर वो बोल रहा कि ऐसा मत कर। गाना स्पीकर तो नहीं है, स्पीकर तो नहीं है, स्पीकर तो नहीं है, स्पीकर है तो बोलेगा स्पीकर तो नहीं है। अच्छा हाँ, ये सही है, जैसे गाना स्पीकर स्पीकर है, स्पीकर है, स्पीकर तो नहीं है। मैं क्या बोलूंगा तेरे को, बोल तेरा घर। अरे हाँ यार, स्पीकर तो नहीं है सब, अरे घर तो इसका है, ये लेके आया। अच्छा ये लेके आया, तो ये गाना क्यों बोलेगा? अरे पर स्पीकर लेके आने का तेरे को बोला था हमने, ऐसा तू नहीं लाया। मेरी बात तो सुनो। हाँ 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 हाँ, गाना गाना, लेकिन स्पीकर तो तेरे को लाने बोला था। रुका, सिंपल इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बना। दिनेश उधर चला है, इसका घर है, इसके एंगल से देखते, ठीक है, इसके तरफ पहले कर लेना। देख तू बोल देना गाना, मैं बोल दूंगा स्पीकर कहाँ है, तू बोलना स्पीकर नहीं है, बस इतना लेना, फिर इस एंगल से इसका वो ले लेना। स्पीकर स्पीकर कहाँ है? स्पीकर तो नहीं है, लेकिन स्पीकर तो तेरे को बोला था लाने के लिए। भूल गया यार, एक भूजू, बिना पार्टी स्पीकर नहीं, बिना स्पीकर के पार्टी होता है। अरे हाँ स्पीकर तो ट्विस्ट हो गया, सॉरी। बहुत ज्यादा पास आ गया भाई, तो
फाइनली हमारी एड यहाँ पर शूट हो चुकी है, रैप अप हो चुका है, ठीक है। और ये जो गाना चल रहा है ना, इस गाने के साथ हमने रैप अप किया है। ये देखो यहाँ पर ये दिलू देख रहे हो, तो मतलब फुल ऐश में हम लोगों ने यहाँ पर ऐड खत्म कर दी है, प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। जब ये ऐड आएगी तो आप सभी लोगों को भी मैं दिखाऊंगा कि हमने कैसी ऐड बनाई है। आप लोग चिंता मत करो, विशाल दवे इज ऑलवेज योर फॉर यू एवरीबॉडी, ओनली फॉर यू। अब आपका काम है लाइक करो और नीचे कॉमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करो, ठीक है। हाँ।